पहले क्या सर दूसरी वेराइटियाँ दम तोड़ रही थी यहाँ पे, यहाँ पे तालाब है किशनपुरा तालाब करके तालाब है सर, और जहाँ पे दूसरी वेराइटी लगाते हो तालाब भरने के बाद में जहाँ नमी बनी रहती वहाँ पे वो वेराइटियों का दाना नहीं फूक रहा था, तो इसलिए फिर मैं वहाँ अनुसंधान में आया था और सर मिले मुझे और सर को मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे नमी बनी रहती है, तो उन्होंने फिर मेरे को NRC 127 के बारे में जानकारी दी। तो ये एक अच्छी बात है कि देखिए 18 इंच की दूरी पे आप यहाँ पे देख रहे हैं और बीज दर भी बहुत अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, ज्यादा घनी फसल भी नहीं, और इसका आप बताइए कि बीघे के हिसाब से कितना बीज डाला है आपका? सर सर इसका एक तो जर्मिनेशन पूरा पूरा आता है सर, 100% मतलब जर्मिनेशन। आप खेत में देख लो कि आप 2 इंची पे दाना गिर रहा है 3 पे गिर रहा है, मतलब जैसा दाना गिरेगा ऐसी ये वेराइटी उगती है सर, क्योंकि इसका जो बीज दर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा तो नहीं आप लगाते हैं सर? मैंने इस बार 9 किलो प्रति बीघा लगाया है। 9 मतलब 30-35 किलो प्रति हेक्टर इसका बीज दर हो गया, और वो भी 18 इंच की दूरी पे। नहीं सर कम होगा ना, 1 बीघा में 9 किलो है सर। अच्छा। तो आप जो मान के चलोगे 15 से 16 किलो एकड़। हाँ एकड़ ना, हाँ वही मैं हेक्टर के हिसाब से जैसे बताया कि 30 से 35 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से आपने बीज डाला। आमतौर पे किसान लोग है ना इससे दुगुना तिगुना डालते हैं, मतलब 1 क्विंटल प्रति हेक्टर भी लगाने वाले किसान मिल जाएंगे अगर दूर दराज के क्षेत्रों में, जो कि 125 किलो भी डालने वाले हैं और उनके यहाँ पे उत्पादन नहीं मिल पाता। तो ये आप देखें, इस वेराइटी की खासियत ये है कि शत प्रतिशत इसका अंकुरण है, तो बीज दर इसका कम होना चाहिए, और दूसरा ये कतारों की दूरी जो है कम से कम 18 इंच तो होना चाहिए, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। और इसमें और आपको इस वैरायटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद में और भी दूसरी वैरायटीज लगाई होंगी ऐसे क्षेत्र में? एक वैरायटी आपने बताया कि 127 NRC है वो चल रही है, और कोई दूसरी वैरायटी यहाँ पे चल सकती है? सर यहाँ पे 150 का मेरे को अच्छा लगा, NRC 150। उसकी क्या सर बढ़वार भी अच्छी है, और जो पहाड़ी के पास में जो जमीन है सर वो थोड़ी हल्की रहती है। ये पहाड़ी के पास में हल्की जमीन, पथरीली जमीन रहती है, तो वो क्या एक तो हवा भी जल्दी जाती है 90 से 90, क्योंकि 90 दिन में हो जाती है, और उसकी बढ़वार भी अच्छी है तो वो उत्पादन भी अच्छा देगी। अच्छा। तो मैंने इस बार लगाया है खेत में 150 तो वो भी सर हाइट अच्छी हो गई हल्की जमीन के हिसाब से। तो एक ये होगी 105-110 दिन में पकने वाली होगी। आप NRC 105 लगाए हैं वो 90 दिन में पकती है, और भी कोई इस दोनों के बीच वाले भी कोई वेरायटी है? बीच में सर 142 लगाया मैंने NRC 142, और उसका जो टाइम प्रेट है मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। क्यों ये बताइए, कारण बताइए। उसका कारण सर ये उसकी भी बीज दर कमी लगती है, और सर उसमें भी बीमारियां कम आती है, ईल का प्रकोप कम रहता है। अच्छा। और दूसरा सर उसमें उसका जो टाइम पीरियड है 95-96 दिन का, तो अभी जो बारिश हो रही सर मेरे हिसाब से 90 दिन की बारिश हो रही है। हाँ बिल्कुल। और वो 5 दिन में क्या है वो जमीन भी सूख जाती है और 96 दिन में वो पक्के तैयार हो जाती है। बिल्कुल 96 से 100 दिन में, कई बार पिछले साल अगर आखिर में बारिश होते कंटिन्यू रहती है तो 2-4 दिन बढ़ जाते हैं, लेकिन उत्पादन के मामले में आप तीनों वेराइटी के अगर देखें तो आप ये बताइए कि 19-20 का फर्क है किसका ज्यादा मिल रहा है, किस स्थिति में? सर वो तो इस बार थोड़ा मेरे को तीनों वेराइटी का मालूम पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल मैंने 150 नहीं लगाया था। अच्छा। और 142 लगाया था, तो 142 भी मतलब अच्छा आया था उत्पादन उसका, बाकी पानी जो बीच में खुला था उससे थोड़ा उसका 75% ही दाना बना था। कितना मिला था 142 सर उसका? 142 का 6 क्विंटल से ऊपर ही था सर। 6 क्विंटल प्रति बीघा देखा सर, मतलब 24-25 क्विंटल तो कम से कम एक प्रति हेक्टर अगर आपका आया होगा। हाँ सर 25 क्विंटल प्रति हेक्टर। और NRC 127 आप लगा रहे हैं, इसका कितना मिलता है सर? क्योंकि ज्यादा दिन में पकने वाली है सर। इसका तीसरे साल मेरे को उत्पादन अच्छा मिला था। हाँ। पिछले साल भी जो पानी जो खुला था तो उसमें इसका भी थोड़ा मीडियम दाना रह गया था। हाँ। फिर भी ये भी हाँ, वैसे भी इसका दाना थोड़ा सा छोटा रहता है, मीडियम ही रहता है, और थोड़ा और मीडियम रह गया था क्योंकि जब इसमें फूल आए थे जब वो पानी खुल गया था। अच्छा। तो फिर भी कितना मिला था तीसरे साल जो आप सर? ये तो मेरे को अधिकतम कितना मिला था तीसरे साल? मेरे पास 8 क्विंटल के करीब मिला था। बहुत बढ़िया मिला। और जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि कई किसानों की खेत यहाँ पे पानी भरने के कारण डूब जाती है, यहाँ पे पानी जमा रहता है, तो वहाँ पे दूसरी वेरायटी का उतना उत्पादन नहीं मिल पाता जितना कि आप NRC 127 का आपको मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आज हम यहाँ पे सोहन जी से मिले हैं, तीनों वेरायटी के बारे में चर्चा की,
हमने उनका खेत देखा, बीबीएफ तकनीक से लगे हुए, बहुत ही अच्छा खेत है, ना कीड़ा ना कोई बीमारी, सभी बहुत बढ़िया से मैनेज है और बीबीएफ तकनीक से। तो आपको भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की ओर से बहुत बहुत बधाई, और ऐसे ही हम किसानों से मिलके उनसे जानकारी लेते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, ताकि दूसरे किसान जो कि दूर दराज के हैं, जिनके पास खेती के बारे में या उन्नत किस्मों के बारे में, उन्नत तकनीकी के बारे में जानकारी नहीं है या प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, तो ये ऐसे अनुभवी किसान से मिलके उनसे बात करते, ताकि अन्य जो किसान हैं उनको फायदा मिलते रहेंगे। तो इसी कड़ी में आप सभी का पुनः एक बार सोहन जी को धन्यवाद देते हैं, मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।